सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इसका अंदाजा मक्का जाकर लगा सकते हैं, जहां इन दिनों मुफ्ती नहीं बल्कि रोबोट फतवे दे रहे हैं। इधर सवाल डाला और उधर झट से फतवा हाजिर। ऐसा भी नहीं है कि जानकारी सिर्फ अरबी जुबान में ही मिलेगी, दर्जनों भाषाओं में यह हाईटेक मुफ्ती जवाब दे सकते हैं और उतनी ही तेजी से। नमस्कार, आदाब, द लीडर हिंदी के लिए मैं अपना प्रस्तोगी। दरअसल मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नववी मामलों की जनरल प्रेसिडेंसी ने मक्का में ग्रैंड मस्जिद में फतवा जारी करने के लिए स्मार्ट गाइडेड रोबोट तैनात कर दिए हैं। स्मार्ट स्टम्पिंग सिस्टम से जुड़े ये चार पहिए वाले रोबोट हाई रेजोल्यूशन कैमरे, हाई डेफिनेशन हेडफोन, माइक्रोफोन और फास्ट डेटा कम्युनिकेशन के साथ हाई स्पीड 5G वाईफाई से लैस हैं। 21 इंच की टच स्क्रीन वाले ये रोबोट कई साइटों पर मौजूद हैं, जो सामान्य जानकारी यहाँ होने वाली रस्मों की सही तरीके बताना, दूर बैठे विद्वानों से बातचीत, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, फारसी, तुर्की, मलय, उर्दू, चीनी, बंगाली समेत कई भाषाओं में लाइव व्याख्या या अनुवाद करके बताना इनका काम है। गाइडेंस अफेयर के डिप्टी प्रेसिडेंट शेख बद्र बिन अब्दुल्ला अल फुरह का कहना है कि रमजान के दौरान उमरा की रस्मों के बारे में रोबोट से रोजाना 100 से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। रोबोट के साथ बातचीत करने वाले ज़्यादातर लोग सऊदी, सीरिया, पाकिस्तानी या भारतीय हैं। रोबोट कई किताबों से जानकारी हासिल करने में सक्षम है, साथ ही अरब दुनिया भर के विद्वानों द्वारा दी गई सलाह भी इसके डेटा में मौजूद है।